सो देयर इज दिस गाय इन माई ऑफिस हु लव्स बाइक, और उसको अपनी मूछें बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड मी एंड माई फ्रेंड इन ऑफिस वी लाइक टू डेकोरेट डेस्क ऑफ पीपल जिनका बर्थडे होता है, तो उसके लिए हमने ये किया था और इसका मैंने वीडियो बनाया. वी कीप डूइंग लॉट ऑफ द स्टाफ इन ऑफिस. हर एक चीज़ का वीडियो नहीं बना पाती हूँ, बट ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा. आई एम हैप्पी हाउ इट टर्नड आउट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम सारी बेसिक चीज़ें रेडी करेंगे, और यहाँ पर आई एम गेटिंग द मूछ रेडी. सिंपल है, उसको मैंने ब्लैक पेपर पे ट्रेस किया और उसको कट किया. कट करने के बाद इट लुक्ड प्रिटी ऑसम. और इसके बाद वी जस्ट वांटेड द थीम टू बी लाइक नाइस एंड क्यूट, तो उसके लिए हमने एक हैट भी बनाई. हैट को भी सिमिलर वे में कट किया और उसके ऊपर एक क्यूट लिटिल हार्ट बनाया. एवरीथिंग क्राफ्टी. So done with that, we took this card paper और उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे ट्रेस किया था. इसको हम कट करने वाले थे, बट आगे जाके हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ तो हमने ये नहीं किया. बट आई एम स्टिल जस्ट शोइंग यू हाउ टू स्टेंसिल आउट स्टफ, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्ड. वी एक्चुअली वर गोना मेक अ फ्रेम, तो अंदर का पेपर कट करके फ्रेम कुछ इस तरह से दिख रही है. Remember the heart on the hat that I told you about? It is very simple to do that. Paper ko bas aapko fold karke is tarah se cut karna hai, and when you're done it looks something like this. ओके, अब वो पेपर मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था, सो आई गॉट दिस वेरी नाइस प्रिंटेड केक का बॉक्स. तो मैंने उसको इस तरह से स्टिक कर दिया और ये फ्रेम अब काफ़ी स्टर्डी हो गई है. बेस्ट आउट ऑफ व्हाटएवर यू हैव बेबी, बेस्ट ऑफ व्हाटएवर यू हैव. नाउ मोना ने ये सारे नाइस लिटिल ट्राइंगल्स बना के रखे हैं, और उसके ऊपर उसने बाइक और मूछ इस तरह से कट करके रखी थी. अब मैं उसको सिर्फ उसके ऊपर पेस्ट कर रही हूँ, एंड वी आर गोइंग टू काइंड ऑफ मेक विद अ स्ट्रिंग लाइक अ हैंगिंग थिंग. और रिमेंबर मैंने आपको बोला कि हैप्पी बर्थडे का प्लान चेंज हो गया. वेल, प्लान इस तरह से चेंज हुआ, इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है. अ गर्ल्स गॉट अ डू व्हाट अ गर्ल्स गॉट अ डू. वेल, जस्ट मी डूइंग द क्राफ्ट. ओके, नाउ टू मेक द फ्रेम स्टर्डी इवन मोर, और सारी चीज़ें एक साथ रखने के लिए हमने सोचा कि ये येलो कलर के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, एंड अल्टीमेटली इट डिड टर्न आउट टू बी वेरी 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 प्रिटी. तो आफ्टर डिसाइडिंग कि कौन सी चीज़ कहाँ कैसे लगानी है, हमने ये किया. और इसके बाद ये जो बीच का ब्लैंक स्पेस है उस पर पोस्टिट से सारे लोगों ने अपनी विशेज लिखी थी उसके लिए. बड़ा बिंग बड़ा बूम, सारी चीज़ों को एक साथ पेस्ट करना है. And then we'll move on to the next step. Now that everything is in its place, इसके ऊपर मैंने happy birthday trace किया with glitter glue, और again very simple. And after this, we decorated his desk with some balloons. उसके ऊपर हमने अपने personal कुछ चीज़ें लिखी, लोगों ने post-its से डाला, and yeah, that was all about it. That's whole desk. I love doing craft. It is extremely stress busting और काफ़ी खुश भी करता है. Plus, मुझे bonus YouTube पे videos बनाने मिल जाते हैं. So if you guys like all these stupid craft things that we keep doing, let me know. I will try and record most of the videos for you guys. Until next video, bye!